अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक जो है, आपने अपनी हेयर एक्सटेंशंस को कैसे अप्लाई करना है और इसको सेव कैसे करना है ताकि जब भी आप अपनी हेयर एक्सटेंशंस अप्लाई करें वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में हो, मैसी ना हो। क्योंकि अक्सर जब हम लोग दोबारा से एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मैसी हुई हुई होती है, इसकी वजह से हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि हम ये दोबारा रिपीट करें। और हेयर एक्सटेंशन जो है वो एक्सपेंसिव आती हैं, जिसकी वजह से आप बार बार उसको चेंज भी नहीं कर सकते। और सेकेंड थिंग कि आपने अपने बालों को सबसे पहले जज कर लेना है कि आपको हेयर एक्सटेंशन वॉल्यूम के लिए चाहिए या आपको हेयर एक्सटेंशन जो है वो लेंथ के लिए चाहिए, आपने कर्ली हेयर एक्सटेंशन यूज़ करनी है या आपने स्ट्रेट यूज़ करनी है। तो आज की वीडियो में मैं ये सब चीज़ें आपको बताऊँगी और आपकी हेयर एक्सटेंशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो तकरीबन इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने बालों को कॉम कर लेना है, ठीक है, अच्छी तरह से। और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ क्लिप वाली एक्सटेंशंस। आपको कॉम वाली भी मार्केट में मिलती हैं और कुछ एक्सटेंशंस ऐसी मिलती हैं जिनके साथ ना क्लिप होता है ना कॉम होता है, तो आपने ऐसी क्लिप वाली एक्सटेंशंस लेनी है। कॉम वाली एक्सटेंशंस जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं, लगाई हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ओरिजिनल इफेक्ट नहीं देती, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो मैं अप्लाई कर रही हूँ हेयर एक्सटेंशंस, मेरा पर्पस ये है कि मैंने बालों में वॉल्यूम क्रिएट करना है, मैं लेंथ के लिए अप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो आपने जब भी एक्सटेंशन लेनी है आपने अपनी एयर लाइन पर रखना है, आपने जैसे ही आपके कान के ऊपर वाला जहाँ से आपका कान स्टार्ट होता है यहाँ से आपने इसमें इसको मैयर करना है रख के, कि ये आपके कान के ऊपर पूरी कान से लेकर नीचे आपके बालों की लेंथ तक पूरी आ रही है। अगर उस तरह की हेयर एक्सटेंशन होगी तो वो आपको वॉल्यूम क्रिएट करने में हेल्प करेगी। और अगर आपने लेंथ के लिए लेनी है तो फिर आपने अपने बालों से लंबी वाली लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैं अपने कान के ऊपर से एक ये क्राउन एरिया में सारा पोर्शन जो बालों का है ये उठा लूँगी और इनको कैचर लगा लूँगी ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करें और मेरा काम जो है वो नीटली हो सके। तो आपने भी जब भी एक्सटेंशन लगानी है आपने अपने क्राउन एरिया को पहले उठा लेना है, उसको कैचर कर लेना है और बाकी वाले बालों पर काम करना है ताकि आपकी जो हेयर एक्सटेंशन है वो लगी हुई पता ही ना लगे कि आपने कोई आर्टिफिशियल बाल अप्लाई किए हुए हैं। और एक और चीज़ जो आपने बहुत ज़रूरी देखनी है वो ये देखनी है कि अगर आपने बाल स्ट्रेट रखने हैं तो आपने स्ट्रेट वाली एक्सटेंशंस लेनी है, ठीक है। अगर आपने हेयर स्टाइलिंग में करवाने हैं कर्ल्स तो आपने फिर कर्ल वाली एक्सटेंशंस चूज़ करनी है। ये देखें जिस तरह से ये क्राउन एरिया मैंने उठाया है सेम इसी तरह से आपने अपने क्राउन एरिया को ग्रिप कर लेना है किसी भी कैचर या क्लिप या पोनी की हेल्प से और बाकी वाले बालों में आपने छोटे छोटे स्टेप उठाने हैं और बैक कॉम करनी है। बैक होम करना तकरीबन सभी को आता है, ठीक है। आपने इस तरह से बैक होम कर लेनी है, इसकी वजह से आपकी जो हेयर एक्सटेंशंस हैं वो होल्ड करेगी, आपके बालों से गिरेगी नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो हेयर एक्सटेंशंस जो हैं छोटी वाली चूज़ करते हैं क्योंकि जिनकी लेंथ ज़्यादा होती है उसके प्राइस ज़्यादा होते हैं और जिसकी लेंथ कम होती है उसके प्राइस कम होते हैं। तो नॉर्मली लेडीज़ जो है हेयर एक्सटेंशंस जब चूज़ करती हैं तो ये वाली हेयर एक्सटेंशंस जो है जिनकी लेंथ कम होती है वो चूज़ करती हैं क्योंकि वो उनको सस्ती मिल जाती है, लेकिन वो आपके वॉल्यूम क्रिएट करने में आपको हेल्प करती है, आपकी लेंथ नहीं बढ़ाती। तो वो उसको इतना ज़्यादा नीचे लगा लेते हैं कि वो बिल्कुल लगता है कि गिर रही है और वो लूज़ होती है। तो इस एरिया में आपके बाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होते हैं, तो आपने इसी एरिया में अप्लाई करनी है चाहे आप वो लेंथ क्रिएट कर रहे हों या चाहे आप वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हों। तो सिंपल पिंस आपने ले लेनी है, नॉर्मली जो आप लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं ब्लैक वाली पिंस, ये आपने जहाँ पर आपने अपने बालों में बैक कॉम डाली है वहीं पर आपने इस पिन को अप्लाई कर लेना है ताकि ये आपकी बैक कॉम के साथ जब पिन लगी होगी तो ये आपकी जो एक हेयर एक्सटेंशन है उसको बड़ी अच्छी तरह से ग्रिप कर लेगी, उसको बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरने देगी और लूज़ भी नहीं होने देगी, ठीक है। इस तरह से आपने अपने क्राउन एरिया में अप्लाई कर लेना है। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं कि ज़्यादा ही स्टिफ हो जाए तो आपने हेयर स्प्रे यूज़ कर लेना है सिर्फ इसी पोर्शन के ऊपर, ठीक है। और ये क्लिप वाली हेयर एक्सटेंशन आपने इसके क्लिप को ज़रा सा पुश करेंगे तो ये खुल जाएगा और इसको आपने फिर इन पिंस के ऊपर अटैच कर देना है वन बाय वन। जितने आपके क्लिप्स लगे होंगे आपकी हेयर एक्सटेंशंस में उतनी आपने ये वाली ब्लैक पिंस को अपने हेयर में अटैच करना है, ठीक है। कलर आपने सेम लेना है, चाहे आप वो जूड़ा ले रहे हैं आर्टिफिशियल, चाहे आप वो बाल लगा रहे हैं, चाहे आप कर्ल्स वाली एक्सटेंशन ले रहे हैं, चाहे स्ट्रेट वेवी किसी भी किस्म की, अगर आप कोई भी आर्टिफिशियल बाल अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपने बालों के साथ मैच लेनी है वो हेयर एक्सटेंशंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट कलर की चूज़ की ताकि आपको कैमरा में ईजिली नज़र आ जाए।
तो यहाँ पर आप देखें, अभी मैंने हेयर एक्सटेंशन को अप्लाई कर लिया है और बाकी के जो क्राउन एरिया पे हमने बाल छोड़े थे वो हम जब इसके ऊपर डालेंगे तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने कोई आर्टिफिशियल बाल लगाए हुए हैं या वॉल्यूम के लिए या अपनी लेंथ को ज़्यादा दिखाने के लिए। तो ये देखें, बहुत ही नीटली ये आपके बालों में अप्लाई हो जाएगा और बिल्कुल छुप जाएगी। जब दूसरे वाले बाल आप इसके ऊपर डाल देंगे तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने कोई आर्टिफिशियल बाल लगाए हुए हैं। और पिंस लगाने की वजह से इनकी इसकी ग्रिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बिल्कुल लूज़ नहीं होगा, पूरा फंक्शन आपका आराम से निकल जाएगा। इस तरह से आपने इसको अप्लाई कर लेना है और अच्छी तरह से कॉम करके सारे बालों को अच्छी तरह से मर्ज कर लेना है। तो अभी मैं आपको एक हेयर एक्सेसरी से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। मार्केट में ये आपको बहुत ही इजीली मिल जाती है, 100 रुपीज़ की ये आपको एक स्ट्रिंग मिल जाती है। इसके साथ भी एक छोटू सा क्लिप लगा हुआ है और ये ट्रांसपेरेंट वायर है, आपके बालों में लगी हुई ये नज़र नहीं आती है। ये छोटू सा क्लिप आपने अपने बालों में अटैच करना है और ये आपके बालों में बहुत ही प्यारे से स्टोन लगते हैं। नाइट फंक्शन में तो ये बहुत ही हसीन लगते हैं। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, 12 कलर्स में आपको इजीली मिल जाते हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, कॉपर। मैंने यहाँ पर सिल्वर चूज़ किया ताकि आपको इजीली नज़र आ सके इसको अप्लाई कैसे करना है और ये बालों में लगा हुआ कैसे लगता है। 4 से 5 स्ट्रिंग्स अगर आप अपने बालों में लगाते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही प्यारी सी शाइन आती है इसमें, क्योंकि इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं और मैंने वाइट कलर चूज़ किए हैं। आपने अपने बालों की एक लिट को उठा लेना है जहाँ पर आपने ये अप्लाई करना है, ठीक है, और बिल्कुल इसके साथ छोटी छोटी सी कॉम बनी हुई है, आपने वो कॉम अपने बाल में अटैच करनी है और उसको ऊपर से बंद कर देना है। तो जो बाल आपने ऊपर पकड़ा था वो आपने वापस छोड़ देना है और उसको सेट कर लेना है। तो बिल्कुल भी फील नहीं होता, आपको लगेगा कि जैसे आपने अपने ही बालों में ये स्टोन्स लगाए हुए हैं। ये स्टोन्स वैसे परमानेंट भी बालों में लगते हैं लेकिन हर कोई परमानेंट अप्लाई नहीं करवाता है। तो आप इस तरह से 4 से 5 स्ट्रिंग्स अपने बालों में लगा लें तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं और इसको रिमूव करना भी इजी है। छोटी बच्चियों के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, बालों की लेंथ के हिसाब से आप इसको कटिंग करके छोटा भी कर सकते हैं। अक्सर छोटी बच्चियों के बॉब कट हुए होते हैं तो उसमें अगर आप 3 या 4 ये लगा दें तो बहुत खूबसूरत लगता है और बच्चों का भी शौक पूरा हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ होगी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूं। सिर्फ हेयर एक्सटेंशंस पे वीडियो बनाना क्या है, तब 2-3 चीज़ें आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसके बाद अगले वाले स्टेप में मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपनी हेयर एक्सटेंशन को सेव कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि हेयर एक्सटेंशन यूज़ करने के बाद काफ़ी मेसी हो जाती है। तो जी, इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने हेयर एक्सटेंशन को सेव कैसे करना है। जैसे ही आपका फंक्शन ख़त्म हुआ, आप घर वापस आ गए, ठीक है, सबसे पहले आपने अपनी हेयर एक्सटेंशन को रिमूव करना है, मेकअप रिमूव करने से भी पहले, ठीक है। अगर आप चाहते हैं उसको दोबारा यूज़ करना, अगर आपने नहीं यूज़ करना तो बेफिक्र होकर आप उतार के उसको फेंक दें, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको रीयूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपने उसको सेव कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो मैसी ना हो। अगर आप जूड़ा अप्लाई किया हुआ, आपने हेयर एक्सटेंशन अप्लाई की हुई है, स्ट्रेट है, वेवी है, कर्ली है, जिस तरह की भी है, ठीक है, आपने उसको सेव कर लेना है। सबसे पहले आपने उसको उतारना है और उतारने के बाद आपने उसको अच्छी तरह हेयर ब्रश से या टेल कॉम से या कोई भी कॉम जो आपके पास है आपने उसको किसी टेबल पर बिछा के अच्छी तरह से कॉम कर लेना है ताकि उसमें से सारे टेंगल्स रिमूव हो जाएँ, क्योंकि आप जाहिर है इधर उधर जब अपना हेड मूव करते हैं तो वो थोड़ा सा ना उसमें मेस क्रिएट हो जाता है। अच्छी तरह से आपने इसको रिमूव कर लिया अपने बालों से, इसमें से टेंगल्स भी रिमूव कर लिए। उसके बाद आपने लेना है हेयर नेट, ठीक है, मैं भी आपको यहाँ वीडियो में दिखा देती हूँ। जैसे ही आपने हेयर एक्सटेंशन परचेज़ की, आपने उसी शॉप वाले को कहना है कि मुझे हेयर नेट दे दें, ठीक है। ये 20 रुपीज़ की मैंने परचेज़ की थी, ईज़िली 10-20 रुपीज़ की, 30 रुपीज़ की ये आपको लोकल मार्केट से मिल जाएगी और उन्हीं से मिल जाती है जिनसे आप हेयर एक्सटेंशन परचेज़ करते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसको, इसकी स्ट्रेचिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, आप इसको खींचे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है और ये इस तरह की बनी हुई है कि अगर आप चाहें तो अपना जूड़ा भी इसमें रख सकते हैं, आप चाहें तो कर्ली, वेवी, स्ट्रेट हेयर, जिस तरह की भी एक्सटेंशन हो आप इसमें सेव कर सकते हैं और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, सेम वैसी की वैसी रहेगी, फिर आप इसको जहाँ मर्जी रखें। तो आपने इस तरीके से अपनी एक्सटेंशन को फोल्ड कर लेना है, 1, 2 या 3 जितने बल उस पर आ जाएँ, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी हेयर नेट को लेना है और उसमें इसको डाल देना है, ठीक है। फिर आप इसको कपड़ों के नीचे भी रख देते हैं, कपड़ों के साथ रख देते हैं, किसी जगह भी आप रख देंगे ना, ये कभी भी आपकी हेयर एक्सटेंशन ख़राब नहीं होगी,
ठीक है, आपने इस तरह से इसको इसमें डाल दिया, ठीक है। इसके साथ आप दो भी हेयर एक्सटेंशन एक में रख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि एक में एक ही रखें तो अच्छा है। जहाँ से आप अपनी एक्सटेंशन परचेज करेंगे उसी बंदे से आपने ये वाला ले लेना है नेट, और आप इस तरह इसको फोल्ड करके इसको अपने बैग में डाल दें, अलग शॉपर में डाल के कहीं पर भी रख दें, बिल्कुल बाल ख़राब नहीं करेगा, सेम वही स्टाइल उसका रहेगा। तो मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकूं, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी इस तरह से आपको प्रॉब्लम है, आप उसका सलूशन चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके उस प्रॉब्लम का हल आपको बता सकूं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस किया करें।